हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको एनसीईआरटी का चैप्टर वन का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी। आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द किंग टर्न राउंड एंड सा बियर्डेड मैन रनिंग टुवार्ड्स देम। राजा मुड़कर देखता है कि उसकी तरफ एक मूछों वाला बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला एक आदमी उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। हिज हैंड वेयर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमच। वो अपने हाथ को अपने स्टोमच पे दबाए हुए है। फ्रॉम हिज ब्लड वाज फ्लोइंग, जहाँ से उसके ब्लड बह रहा है। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जब राजा उसके पास पहुँचता है तो वो ग्राउंड पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमच। जो राजा होते हैं और जो हर्मिट होता है, वो उस आदमी की सहायता से उस आदमी को उस आदमी के जहाँ पे उसके ब्लड बह रहा था है, उसके कपड़े से उसको हटाते हैं और उसके घाव को साफ करते हैं। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ। राजा उस साफ करता है अपने हाथों से और उसको कवर करता है अपनी हैंकी से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन उसका जो ब्लड होता है वो रुकता नहीं है। द किंग रीड्रेसेड द वुंड अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। फिर से राजा उसको ड्रेस से अपनी हैंकी से साफ करता है और उस पर बांधता है। उसके बाद उसका जो ब्लीडिंग होती है स्टॉप हो जाती है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। फिर वो अच्छा फील करता है और राजा से बोलता है कि कुछ पानी दे दीजिए मुझे पीने के लिए। द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। फिर राजा उसे ताज़ा पानी देता है। बाई दिस टाइम द सन एंड सेट एंड द कूल एंड एयर इज वाज कूल। उस टाइम सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बैठ चुका होता है और एयर जो होती है बहुत कूल बहती रहती है। द किंग विद द हर्मिट हेल्प क्राइड द ओंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा और हर्मिट की सहायता से वो ओंडेड मैन को हट में ले जाता है, बेड पे सुला देता है। द मैन क्लोज आइज एंड ले क्वाइट। वो आदमी बहुत थक हुआ गया होता है इसलिए वो सो जाता है। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। राजा भी काम करके थक चुके होते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए वो जो फ्लोर पर जा कर के सो जाते हैं, फ्लोर पे ही सो जाते हैं, जमीन पे ही। व्हेन ही अवॉक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेम्बर। जब राजा उठता है तो उसे कुछ मिनट पहले याद आता है कि उसने एक बियर्डेड मैन को, स्ट्रेंज बियर्डेड मैन को बेड पे सुलाया था। तो उसको याद आता है, फॉर गिव मी, वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मतलब उसे सुनाई पड़ता है सर राजा को। सैड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। जो बियर्डेड मैन होता है वो बहुत ही धीमी आवाज़ में उससे कहता है। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक, जब राजा उठता है तब। आई डोंट नो यू एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सैड द किंग। राजा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तुम मुझसे किस लिए माफ़ी मांग रहे हो। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते। आई नो यू बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई आई एम दैट इन मी ऑफ योर हुज स्वेयर रिवेंज ऑन यू। मैं आपका दुश्मन हूँ, शत्रु हूँ, आपसे बदला लेने आया था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड स्नीज्ड माई प्रॉपर्टी। स्नीज मतलब होता है हड़प लेना, क्योंकि आपने मेरे भाई की प्रॉपर्टी हड़प ली थी और उसे मार दिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलॉन टू सी दैट हर्मिट। मुझे पता चला था कि आप हर्मिट से मिलने के लिए अकेले जा रहे हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मैंने सोचा, मेरे माइंड में आया कि मैं आपको घर जाते वक्त रास्ते में ही मार दूंगा। बट दे डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन एक दिन बीत गया, आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, जहाँ पर मैं छिपा हुआ था, एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। मैं जहाँ पर छिपा हुआ था वहाँ से निकला और आपका बॉडी गार्ड जो था, हाउ रिकोगनाइज मी एंड वाउंडेड मी, उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे घायल कर दिया। आई सेप्ट फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड If you had not dressed my wounds। मैं वहाँ से भागा, अगर आपने मेरे वोंड को अगर ड्रेसड नहीं किया होता तो फिर मैं मर जाता। I wish to kill you, मैं आपको मारना चाहता था। And you have saved my life, लेकिन आपने मेरी लाइफ बचाई है। Now if I live, अब मैं आपको नहीं मारूँगा। I will serve you as your most faithful servant and will order my son to the same। उसने कहा कि मैं आपका हमेशा एक वफादार नौकर बनकर रहूँगा और मेरे जो बच्चे होंगे वो भी। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग
The king was very happy to made peace with his enemy so easily. राजा बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि कितने आसानी से मैंने एक शत्रु को अपना दोस्त बना लिया. He not only forgive him but said he would send his servant and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. उसने उसे माफ़ कर दिया और उसके लिए उसके उसके पास नौकर भेजे और डॉक्टर को भी उसकी देखभाल करने के लिए भेजा और उससे प्रॉमिस किया कि उसकी प्रॉपर्टी जो होगी उसे वो लौटा देगा. लिविंग द वाउंडेड मैन जो वाउंडेड मैन था वो चला गया. द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट. जो राजा था उसने हट से वो बाहर निकला और हर्मिट को चारों तरफ देखने लगा. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन. उसने सोचा जाने से पहले मैं उससे अपने क्वेश्चन के जवाब फिर से पूछ लेता हूँ. द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड इन द बेड्स दैट हैड बिन डग द डे बिफोर. जो हर्मिट था वो अपने घुटनों के बल बैठ करके बीजों की बुआई कर रहा था जो उसने एक दिन पहले वहाँ पे डक किया था, गड्ढे खोदे थे जहाँ पर. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड. जो राजा था वो हर्मिट के पास गया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बिग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन. उसने जो राजा था वो हर्मिट के पास गया और बोला, बुद्धिमान व्यक्ति अब मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि आप मेरे आंसर का जवाब दे दीजिए. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. वो बोलता है कि आपने पहले ही उसके जवाब पा लिए हैं सर. द हर्मिट हर्मिट बोलता है, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज टू स्टूड बिफोर हिम. जो होता है वो जमीन पर बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, वो जमीन पर बैठ जाता है और राजा को देखने लगता है. हर्मिट को देखने लगता है. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मैं कैसे आंसर पा चुका हूँ. व्हाट डू यू मीन, आपका कहने का मतलब क्या है. डू यू नॉट सी, क्या आपने नहीं देखा. रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट बोलता है कि आपने नहीं देखा. इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हाई एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी. क्या आपने, यदि आपने मेरी कल कमजोरी देखकर मेरी हेल्प ना की होती गड्ढे खोदने में तो यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप यहाँ से चले जाते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो आप पे वो आदमी अटैक करता. यू वुड हैव विश्ड यू हैव स्टेड विथ मी, आप यहाँ पर रुके इसलिए उसने आप पे अटैक नहीं किया. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वेयर डिगिंग द बेड. सो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो था आपके लिए वो था जब आप मेरे लिए गड्ढे खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और उस टाइम जो था वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, सबसे इम्पॉर्टेंट काम था. Afterwards when the man ran to us, जब आपके पास एक आदमी दौड़ता हुआ आया. the most important time was when you were crying for him, और उसने आपने उसकी हेल्प की. he did not dress it, he did not want to die without having made a peace with you. अगर आपने उसकी मतलब की केयर ना की होती और उसके ड्रेसर ना किया होता तो वो शायद मर जाता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था. एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था उस टाइम, और वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम था. रिमेंबर देन एंड देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. याद रहे, देयर इज़ ओनली वन टाइम, आपका जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वो होता है अभी का जो आपके साथ है. It is the most important time because it is the only time you have power to act. आपके पास जो present में जो आप हैं उसके पास आपके पास बहुत power होती है किसी भी काम को करने के लिए. The most necessary person is the person you are with that particular moment. आपको सबसे महत्वपूर्ण सबसे आवश्यक person वही होता है जो आपके साथ particular moment में है. For no one knows that what will happen in the future and whether we will meet anyone. आप किसी से भी फ्यूचर में मिलते हैं तो आप उसके साथ हैं, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, उसको खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ कीजिए जिससे वह खुश रहे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू द पर्सन गुड बिकॉज वी सेंड इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पज अलोन. आपको दुनिया में इसीलिए भेजा गया है कि आप समय हमेशा कि जिस व्यक्ति के साथ हैं आप उसको खुश रखें. सेंड इन टू द वर्ल्ड, इसीलिए आपको इसी मैसेज के साथ भेजा जाता है, इसी पर्पज़ के साथ आपको भेजा जाता. ये चैप्टर इसी पे समाप्त होता है.
अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।